दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सबसे पहली कार किसने बनाई, क्या आपको मालूम है भारत की सबसे पहली कार कब चली थी और उस कार के मालिक कौन थे और वो कौन सा पहला भारतीय था जिसके पास कार आई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वो सवाल है जो आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा, लेकिन जब आपको इनके जवाब पता चलेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां हम आपको सबसे पहली कार के बारे में बताने वाले हैं, बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारत में सबसे पहली कार 1897 में चली थी। ये कार क्रॉम्पटन ग्रीव कंपनी के मालिक मिस्टर फॉस्टर की थी, जो कि भारत के सबसे पहले कार मालिक थे, जिसके बाद 1898 में चार कारें बॉम्बे लाई गई, जिनमें से एक कार जमशेद जी टाटा की थी, क्योंकि उस समय कार रखना शानो शौकत मानी जाती थी। अगर हम आधुनिक गाड़ियों के बारे में बात करें तो इस समय चलने वाली बुगाटी वेरॉन दुनिया की सबसे तेज कार है, जिसकी स्पीड 446 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हवाई जहाज से भी तेज है। लेकिन जनाब, शुरुआती दिनों में गाड़ियां इतनी तेज नहीं हुआ करती थी। 1894 में बनाई गई सबसे आधुनिक कार भी 19 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी। पर क्या आपको मालूम है, दुनिया की सबसे पहली कार की डिजाइन तीन पहियों वाली थी, जो कि घोड़ा गाड़ी से बनाई गई थी। असल में इन सारी चीजों की शुरुआत 1769 में हुई थी, जहां निकोलस कॉनेट ने 1769 में सबसे पहले खुद से चलने वाला मैकेनिकल वाहन बनाया था, जिसे घोड़ा गाड़ी में से बनाकर तैयार किया गया। और कई सारे लोगों का मानना था कि ये तीन टायरों वाला वाहन कभी भी नहीं चल पाया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि फर्डिनेंड वर्बियस्ट ने 1672 में भाप से चलने वाला वाहन का निर्माण किया, जो कि खिलौने के रूप में किया गया। तभी तो वो वाहन ना ही किसी यात्रियों को ना ही किसी ड्राइवर को उठाने में समर्थ था। जिसके बाद 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पफिंग डेविल नाम के एक रोड लोकोमोटिव को बनाया, जो कि भाप इंजन से बनकर तैयार हुआ था, जो दिखने में बिल्कुल ट्रेन लोकोमोटिव जैसा लगता था। ये वाहन देर तक स्टीम प्रेशर बनाए रखने में असमर्थ था, जिसके कारण ये फेल हो गया। साल 1780 में रूस के इवान कुलीबन ने एक तीन पहियों वाली साइकिल के ऊपर भाप इंजन को लगाने का काम शुरू किया। इस वाहन पर शोध कार्य करने के बाद साल 1791 में उन्होंने एक डिजाइन लोगों के सामने पेश किया, जिसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे फ्लाई व्हील, ब्रेक, गियरबॉक्स और बेयरिंग। ये सारी चीजें थी जो वर्तमान समय में एक मॉडर्न कार के अंदर पाई जाती है। हालांकि इनका जो डिजाइन था वो तीन पहियों वाला था, जिसकी वजह से ये संतुलित न होने के कारण असफल रहा। इसी तरह कई सारे लोगों ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन वो सभी असफल रहे। हालांकि काफी हद तक उन्होंने आगे चलकर कार बनाने में मदद की, क्योंकि उन्हीं के आइडिया को डेवलप करके सबसे पहली कार बनाई गई। फिर नवंबर 1881 में एक फ्रेंच आविष्कारक फ्रैंकोइस ने कार के लिए पहले आंतरिक वाहन इंजन को डिजाइन किया। ये इंजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तेल मिश्रण से चलता था। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ये एक अहम खोज साबित हुई। कार्ल बेंज, जिन्हें एक आधुनिक ऑटोमोबाइल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1885 में जर्मनी के मैनहट्टन शहर में गैसोलीन इंजन के इस्तेमाल से एक ऑटोमोबाइल बनाकर तैयार किया। इस डिजाइन को अगले साल जनवरी में पेटेंट कराया गया, जिसे बेंज एंड CIA नाम की कंपनी से पेटेंट किया गया। इस कंपनी की स्थापना 1883 में हुई थी और फिर इन्होंने 1888 में अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचना शुरू किया, जहां इन्होंने अपनी पहली मोटर व्हीकल 1885 में बनाई और इस व्हीकल को 19 जनवरी 1886 में सम्मानित किया गया। फिर इन वाहनों का प्रचार शुरू हो गया। उस समय लगभग 25 बेंज वाहन बिके। इसी बीच एक और चार पहियों वाली गाड़ी का डिजाइन इस कंपनी ने पेश किया। ये डिजाइन काफी सहूलियत भरा था और 4-स्ट्रोक इंजन से चलता था। जैसे जैसे बेंज की कंपनी ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, वैसे वैसे इन्हें और ज्यादा इंजनों की जरूरत पड़ने लगी। 1896 में बेंज ने पहला आंतरिक वाहन फ्लैट इंजन बनाया। 19वीं सदी में अंतिम सालों में बेंज एंड CIA दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिन्होंने हाथ मिलाया, और इसी वजह से 1999 में बेंज एंड CIA एक संयुक्त कंपनी बनी। वैसे 1890 में एक और कंपनी ने अपने वाहनों को बेचना शुरू किया। गॉटलिएब डैमलर और विलहेम मैबैक ने एक साथ मिलकर एक कंपनी तैयार की, जिसका नाम DMG रखा गया। सन 1900 में डैमलर का देहांत हो गया, जिसके बाद विलहेम ने डैमलर मर्सिडीज के नाम से कार बनाना जारी रखा। फिर बाद में विलहेम ने बेंज के साथ हाथ मिलाया और एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम डैमलर बेंज रखा गया। जी आप बिल्कुल सही समझे, ये वही कंपनी है जो आज पूरी दुनिया में मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी अपने वाहनों को मार्केट में बेचने लगी और फिर इसे काफी ज्यादा सफलताएं मिली। हालांकि तब गाड़ियों में केवल गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल होता था, जिसकी पावर 35 हॉर्स पावर तक होती थी।
भाप, बिजली और गैसोलीन इंजन से चलने वाली गाड़ियां दशकों तक चली। इसी दौरान 1897 में एक जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने इंजन का आविष्कार किया, जो दुनिया का पहला डीजल इंजन बना। ये इंजन काफी शक्तिशाली था और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। जहां आज भी इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों में इसी डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे गाड़ियों की मांग बढ़ने लगी, कार उत्पादक कंपनियों को बड़े पैमाने पर किफायती मोटर वाहनों का उत्पादन करने की जरूरत पड़ने लगी, जिसकी शुरुआत 1920 में प्रोडक्शन लाइन टेक्नीशियन से हुई और इसका सबसे ज्यादा उपयोग हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में किया। इस तकनीक का इस्तेमाल करके फोर्ड कंपनी द्वारा हर 15 मिनट में कार बनाई जाती थी। ये तरीका पिछले तरीकों से काफी तेज निकला। इसकी वजह से उत्पादन 8 गुना बढ़ गया। इस तकनीक के इस्तेमाल से फोर्ड उस समय दुनिया की सबसे तेज ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी बन गई। इसी तरह जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कई सारे सुधार देखने को मिले। नई नई तकनीकों के कारण आज की लग्जीरियस गाड़ियों का निर्माण हुआ और हम आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन और सुपर फास्ट के साथ साथ कंफर्टेबल गाड़ियां सड़कों पर चलते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आज जिन गाड़ियों को इतनी आसानी से हम चलाते हैं, उन्हें तैयार करने में कितने सालों का वक्त लग गया। न जाने कितनी गाड़ियां मार्केट में आई और बर्बाद हो गई। इतने सारे प्रयोग किए गए, तब जाकर हम आज आराम से गाड़ियों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।